हेलो एवरीवन, आज हम फोकस करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर पे। सो आज का ट्यूटोरियल हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर के पाथफाइंडर टूलसेट पे बेस्ड है। तो उसमें हम उनके टूल्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, उसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए अभी मैं पहले ले लेता हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसके अलग अलग फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा समझाऊंगा। तो उसके लिए मैं पहले अभी एलिप्स टूल ले रहा हूँ। एल प्रेस के मैंने शॉर्टकट के लिए आपका एलिप्स टूल लगे हैं। यहाँ से ये मैंने एक एलिप्स बनाया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक ये ले लिया मैंने। अब एक इसी का डुप्लीकेट लिया मैंने, इसको वी से आपके सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया। वी ए शॉर्टकट इसका, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसे मूव किया ताकि इसका डुप्लीकेट मिल जाए मुझे। इसमें दूसरा कलर दे देते हैं हम लोग। सो इस तरह से मुझे दो एलिप्सिस मिल रहे हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोल के प्रेस कर रहा हूँ मैं आपके प्रेफरेंसेस ऑप्शंस को ओपन करने के लिए। इसमें आपको यहाँ पे कीबोर्ड इंक्रीमेंट दिख रहा है, तो इस कीबोर्ड इंक्रीमेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना हमें रिक्वायरमेंट है। तो अभी ये 100 पिक्सल के अराउंड है, मैं इसको लाइक 200 कर देता हूँ। ओके करता हूँ। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑल्ट प्रेस किया और डाउनवर्ड की प्रेस करूँगा, इसका डुप्लीकेट हमारे को मिल जाएगा। फिर से सेम वही चीज़, ऑल प्रेस करके डाउनवर्ड। तो इस तरह से मुझे कुछ डुप्लीकेट्स मिल रहे हैं। सेम वे में ये मैंने एक डुप्लीकेट लिया, इसको थोड़ा मूव करके साइड कर लेते हैं, या फिर आप कंट्रोल के करके आप कीबोर्ड इंक्रीमेंट को लाइक 400 पिक्सल्स दे देते हैं तो और ज़्यादा डिस्टेंस पे आएगा। अभी भी काफ़ी क्लोज है। कंट्रोल के इसको कर देते हैं 600। ठीक है, तो ये कुछ एलिप्सेस हमने बना लिए, सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट करके मैं इनको स्केल कर लिया लाइक दिस। अब हम इन पे पाथफाइंडर के टूल सेट्स अप्लाई करेंगे। तो पाथफाइंडर ओपन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट F9, ये आपका पाथफाइंडर ओपन हो गया। अदरवाइज आप विंडोज़ में जाके यहाँ से पाथफाइंडर को ओपन कर सकते हैं। सो अब इसमें आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, इन ऑप्शंस को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी पहले हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ये दोनों एलिप्सिस को। सो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें अप्लाई करूँगा आपका यूनाइट। इस पर मेरे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एक सिंगल कंबाइंड शेप बन गई है, ये आपकी एक सिंगल शेप बन के आ गई है। यूनाइट आपका क्या करता है कि दो शेप्स, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी आपकी शेप्स हैं वो सबको कंबाइन करके एक सिंगल शेप्स में कन्वर्ट कर लेता है, सिंगल शेप में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आपका इसमें आपने देखा कि कलर उसने कौन सा पिक किया, जो फाइनल रिजल्ट आपका आया है, जो फाइनल आउटपुट आपका आया है उसमें जो कलर आया है वो कलर उसने टॉप लेयर का पिक किया है। अगर आपका ये पिंक वाली लेयर अपर होती, ऊपर की साइड अपर साइड पे है, तो हम दोनों को सेलेक्ट करके फिर से इसमें सेम चीज़ मैं करूँगा, यूनाइट अप्लाई करूँगा। आप देख सकते हो इस बार भी शेप वही आई है, लेकिन कलर जो उसने पिक किया है, कलर आपका जो अपर लेयर थी उससे पिक किया। तो ये इस तरह से आपका वर्क करता है। दिस वॉज यूनाइट फंक्शन। नेक्स्ट आपका आता है सब्ट्रैक्ट माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, फ्रंट वाली शेप को बैक वाली शेप में से माइनस कर देगा।
सो इसको अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं ये फ्रंट वाली शेप इसमें से बैक में से रिमूव हो गई। सेम चीज़ अगर आपकी ये लेयर अपर होती और तब मैं इसको अप्लाई करता आपका माइनस फ्रंट, तो आप देख सकते हैं इसमें जो बिलो लेयर है उस वो कट वो आपकी सब्ट्रैक्ट होगी फ्रंट वाली शेप से। सो जो लेयर आपकी अपर होगी वो आपकी बॉटम लेयर को सब्ट्रैक्ट कर देगी माइनस फ्रंट में। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट अगर आप समझोगे और तो इंटरसेक्ट बेसिकली क्या है, जो दोनों शेप्स या मल्टीपल शेप्स का जो कॉमन एरिया है उसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं। तो वो जो कॉमन एरिया है सिर्फ उतना रह जाएगा, बाकी सब रिमूव हो जाएगा। तो इन दोनों में आपका कॉमन एरिया सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन है। तो अगर हम इसको लेते हैं इंटरसेक्ट को, तो आपका सिर्फ ये सेंट्रल पोर्शन रह जाता है, बाकी सब आपका हट जाएगा। अब इसमें ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि ग्रीन आपका अपर थी लेयर। अगर हम पिंक लेयर को ऊपर रखते हैं, पिंक एलिप्स को, तो आप देख सकते हैं इस बार आपकी जो शेप का कलर आया वो पिंक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड आपका इंटरसेक्ट का अपोजिट वर्क करता है। जैसे कि इंटरसेक्ट आपका कॉमन एरिया रहने देता था बाकी सब हटा देता है, एक्सक्लूड आपका कॉमन एरिया को रिमूव कर देता है और बाकी सब रहने देता है। तो जहाँ भी कॉमनैलिटी आ रही होगी वो एरिया सारा रिमूव हो जाएगा। तो मैंने एक्सक्लूड पर क्लिक किया, आप देख सकते हो आपका कॉमन एरिया रिमूव हो गया और आप देख सकते हो पूरी शेप की कलर्स एक जैसे हो गए। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपका जो अपर लेयर है वो उसमें से कलर पिक कर ले रहा है। अगर आपका ये पिंक एलिप्स ऊपर था और तब हम इसको ऐसे करते हैं एक्सक्लूड, तो आप देख सकते हो शेप सिमिलर है बट कलर में डिफरेंस है। आपका ऊपर लेयर जो अपर लेयर है उसमें से वो कलर पिक कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है डिवाइड। अब डिवाइड आपका क्या करता है, डिवाइड एक दूसरे को, एक शेप दूसरी शेप को, दोनों शेप एक दूसरे को डिवाइड करती है बेसिकली। तो इसको मैंने क्लिक किया, अभी आपको इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे होंगे। इसमें चेंजेस हो चुके हैं बट बिकॉज ये एक ग्रुप बन जाता है तो ये आपका अभी आपको कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है। तो इसको पहले हमें अनग्रुप करना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करूँगा और अनग्रुप क्लिक करूँगा, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट जी कर सकते हैं अनग्रुपिंग के लिए। आपका ये अलग अलग पार्ट हो गए। तो अब आपको दिख रहा होगा क्या हुआ, इस पार्ट ने इसको डिवाइड किया, इस पार्ट ने इसको डिवाइड किया और बीच में ये जो कॉमन एरिया था आपका वो एक सिंगल पीस आपका बन के अलग से आ गया। ये आपका ग्रीन में है क्योंकि ये ग्रीन लेयर आपकी अपर लेयर थी। अगर आपकी पिंक लेयर अपर लेयर होती और तब हम इसको अप्लाई करते आपके डिवाइड ऑप्शन को, तो उस टाइम भी सेम चीज़ होनी थी। अनग्रुप किया हमने, आपका शेप्स वही रहेंगी, जस्ट कलर का डिफरेंस आ रहा है। आपका ये कलर जो है बिकॉज अपर लेयर आपकी पिंक कलर की थी तो उसने पिंक कलर अडॉप्ट किया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, आपकी जो बिलो लेयर है उसको ट्रिम कर देता है। जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है, तो मैंने इसको क्लिक किया। अभी आपको कुछ सडन चेंज यहाँ शो नहीं हो रहा है बिकॉज वही चीज़ है सेम, आपका ग्रुपिंग हो रखी है। मैं इसको अनग्रुप करूँगा, आप देख सकते हो कि आपको ये दो अलग अलग पीसेस मिल रहे हैं। सो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे आपके जो अपर लेयर थी उसने आपकी बिलो लेयर को ट्रिम कर दिया है, लेकिन आपकी अपर लेयर वैसे की वैसे एग्जिस्ट कर रही है, वो वहाँ से रिमूव नहीं हुई है। तो आपको अगर कभी भी किसी चीज़ को सब अपर लेयर से आपको मान लो किसी भी चीज़ को ट्रिम करना है और आप ये भी चाहते हैं कि जिस शेप को आप यूज़ कर रहे हो ट्रिमिंग, वो ट्रिमिंग टूल आप उसको रिमूव नहीं करना चाहते, तो आप इस ट्रिम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पिंक ऑप्शन ऊपर होता, पिंक एलिप्स ऊपर होता, तो और उसके बाद हम इसको ट्रिम को यूज़ करते हैं। फिर मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस बार बिकॉज आपका पिंक वाला लेयर ऊपर थी तो उसने नीचे वाली लेयर ग्रीन वाली लेयर को ट्रिम किया।
तो ये आपका इस तरह से फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है मर्ज, और मैं मर्ज का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, इसको करूँगा अनग्रुप। इसमें भी कोई सडन चेंज वैसे दिख नहीं रहा है, तो रिमूव करके देखते हैं। ये कुछ हद तक आपका ट्रिम जैसा ही दिख रहा है। लेट्स ट्राई अदर ऑप्शन, ये हम इस वाले को ऊपर रखते हैं और तब मर्ज का यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने अनग्रुप किया। अब आप ये ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका मर्ज टूल है या मर्ज ऑप्शन है, ये बिल्कुल आपके ट्रिम ऑप्शन जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ फिर, इन दोनों सेपरेट ऑप्शंस का फ़ायदा क्या है? अगर उन्होंने एक जैसे ही बिहेव करना है तो वो हम एक ही से भी यूज़ करके काम कर सकते हैं। दो टूल्स की ज़रूरत क्या है फिर? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि अगर आपके कलर्स सेम हैं और आप उस पर ट्रिम यूज़ करते हो, इस वाले पे हम मर्ज यूज़ करते हैं। तो ट्रिम में अगर आप देख रहे हो, ये अभी भी एक ग्रुप है, इसको मैं अनग्रुप कर सकता हूँ। ये आपको दो पीसेस में डिवाइड होकर मिल गया, लेकिन जो यहाँ मैंने मर्ज अप्लाई किया था, यहाँ पे आप अनग्रुप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल पीस है। ये एकदम किसके जैसे बिहेव कर रहा है? यूनाइट के जैसे बिहेव कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आपका कलर सेम है तो आपका जो मर्ज ऑप्शन है वो यूनाइट की तरह बिहेव करेगा, और अगर आपका कलर डिफरेंट है तो वो ट्रिम की तरह बिहेव करेगा। ट्रिम वाले ऑप्शन में आपका चाहे कलर कुछ भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ शेप मैटर करता है। तो अगर आपका शेप अलग अलग हैं, शेप्स आपकी जो भी है उस अकॉर्डिंग वो उसको ट्रिम करता है। आपका ऑप्शन मर्ज का ऑप्शन क्या करता है, जब आपका कलर एक जैसे हैं तो एक सिंगल शेप में कन्वर्ट कर देता है यूनाइट की तरह, और अगर आपके कलर्स अलग अलग हैं तो वो ट्रिम की तरह बिहेव करेगा। सो ये था आपका मर्ज टूल। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रॉप। क्रॉप जैसे कि आपको पता ही है, आप अपनी इमेजेस को क्रॉप करते हैं और फोटोज़ को क्रॉप करते हैं, ये भी कुछ उसी तरह से है। तो जो ऊपर वाला आपका शेप होता है वो एज अ क्रॉपिंग टूल यूज़ हो जाता है। तो मतलब आपकी जो भी फ़ोटोज़ के नीचे या जो भी इमेज आपने क्रिएट की है, जो वेक्टर शेप आपने बनाई है, वो उसके नीचे आ जाएगी और उतने एरिया के अंदर क्रॉप हो जाएगी। सो मैं यहाँ क्रॉप करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि जितना पोर्शन उस शेप के अंदर आ रहा था नीचे वाली लेयर का, वो क्रॉप हो गया। आपकी अपर लेयर ऑटोमेटिकली हाइड हो गई है। इसको आप अनग्रुप करके देख सकते हैं, इसमें दो पीसेज हैं आपके, ये और ये। वैसे इसमें तो बेसिकली क्रॉप टूल ने क्या किया, आपका जितना एरिया उस शेप के अंदर आ रहा था उसे क्रॉप करके अलग सेपरेट आउट कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। इसको मैं अपर रख रहा हूँ। अब यहाँ मैं करूँगा क्रॉप, इसने उस ग्रीन पोर्शन को क्रॉप कर दिया। ये देखने में आपका इंटरसेक्ट जैसा लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरसेक्ट। आपका इंटरसेक्ट में सिर्फ ये शेप आपको मिलती है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, आपको इसके साथ एक शेप ये भी मिल रही है, और ये आपका क्या है, इसमें फिल और स्ट्रोक आपका दोनों नल है, तो इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो ये हमारा हो गया क्रॉप टूल। इसका मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल आपको भी दूंगा। नेक्स्ट आपका है आउटलाइन। तो आउटलाइन में क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि आउटलाइन क्लिक करते ही आपके सिर्फ आउटलाइंस रह जाती हैं। सो आप ये देख सकते हो कि स्ट्रोक्स को हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा। इसको मैं अनग्रुप करूँगा, आपकी सिर्फ ये आउटलाइन शेप्स रह गई हैं, पाथ रह गए हैं आपके स्ट्रोक्स, फिल कलर नहीं है, सारे स्ट्रोक्स और आपके आउटलाइंस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं। तो इस तरह से आपको मिल जाता है, बिकॉज़ आपका अपर लेयर ग्रीन थी, तो यहाँ पे आपको ये सेंट्रल में दोनों शेप्स आपको ग्रीन मिली हैं। अगर आपकी
ये लेयर हमारे ऊपर होती, तब हम इसको करते आउटलाइन। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों आपको पिंक मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है माइनस बैक। अब ये माइनस फ्रंट का अपोजिट है। अगर आपने माइनस बैक किया तो इसमें क्या होता है कि आपकी बैक वाली लेयर आपकी फ्रंट वाली लेयर में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो ये बैक वाली लेयर जो था आपकी थी, उसने आपका फ्रंट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें भी हम वही ट्राई करके देखते हैं, माइनस फ्रंट। तो इसने जो बैक वाली लेयर थी आपकी, उसने आपके फ्रंट वाली लेयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस थे पाथफाइंडर के, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कई सारे इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस शेप्स बनाने के लिए। क्योंकि कोई भी आपके शेप्स है, आपने कॉम्प्लिकेटेड कोई शेप्स बनानी है जहाँ आपको कुछ पार्ट रिमूव करना है, ऐड करना है, तो वो इससे आसानी से हो सकता है। तो मैं थोड़े एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा अभी कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो अभी ऑप्शंस थे आपके। एक एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं, मैंने एक सर्कल लिया, शिफ्ट प्रेस किया, कई सर्कल आ रहा है, शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसका कॉपी लिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, फ्रंट पे पेस्ट करूंगा, कंट्रोल एफ वी प्रेस किया, शिफ्ट और ऑल्ट दबाया, उसे स्केल डाउन कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से दोनों को सेलेक्ट किया और मैंने क्लिक किया आपका माइनस फ्रंट। तो आप देख सकते हो कि जो माइनर सर्कल था वो आपका मेजर में से रिमूव हो गया। तो आपको इस तरह की कुछ रिंग शेप मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ, ये मैंने लिया, फिर मैंने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी सॉरी कंट्रोल एफ फ्रंट में कॉपी लेने के लिए, वी प्रेस किया, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो ये रहा। तो अभी पहले मैं इस शेप को ले रहा हूँ, इस शेप को ले रहा हूँ, इन दोनों को यूनाइट कर दे रहा हूँ ताकि ये एक साथ कंबाइन हो जाए। उसके बाद मैं इन दोनों शेप्स को, जो ये स्मॉलर सर्कल था, उसे तब सब्ट्रैक्ट करूँगा ताकि आपको कुछ इस तरह की शेप मिले। मैंने इसको यूनाइट पहले इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता और पहले जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट माइनस फ्रंट करता तो बाद में यूनाइट करने पे प्रॉब्लम ये होनी थी कि ये बीच में पोर्शन अभी भी बचा हुआ है। तो मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोबारा से सेम मेथड को, एक सेम साइज़ का सर्कल बनाना पड़ता इसको रिमूव करने के लिए। सो इट्स बेटर कि अगर हम पहले यूनाइट कर लें और फिर हम तब सब्ट्रैक्ट करें। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इनको पहले यूनाइट कर दिया, उसके बाद दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और सब्ट्रैक्ट कर लिया कुछ इस तरह से। एम प्रेस करूँगा मैं रेक्टेंगुलर टूल के लिए, ये मैंने शेप सिलेक्ट की, वी इसको मैं हिला रहा हूँ और अ लिटिल बिट लाइक दिस, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, कंट्रोल के प्रेस किया मैंने, ये आपका 600 पिक्सल हो रखा है, इसको मैं लाइक 50 पिक्सल्स कर देता हूँ, ऑल्ट किया मैंने, ये साइज को थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं 100, ऑल्ट प्रेस किया, ये मैंने साइज लिया, इन सबको सेलेक्ट किया, यूनाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, माइनस फ्रंट, ठीक है।
यहाँ मैं एक एलिप्स ले रहा हूँ, इसमें पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ, इसको स्ट्रोक को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, बात पे उसको ये लिया मैंने एक, इसके अलावा और बात बनाता हूँ पेन टूल से। मैंने इन सब को सेलेक्ट किया, यहाँ ऑप्शन यूज़ किया डिवाइड, तो आप देख सकते हैं डिवाइड से हो क्या रहा है, बेसिकली आपके सारे पार्ट्स अलग अलग पीसेस में कन्वर्ट हुए हैं। नॉर्मली हमें अगर हमें एक एक करके इनको वैसे करना पड़ता सेपरेट तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता, लेकिन इसकी मदद से डिवाइड ऑप्शन से आप इनको इक्वली सही तरीके से इन पार्ट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो अब इनमें मैं इंडिविजुअली एंड ग्रुप करके जो मुझे कलर्स ऑप्शन चाहिए मैं ले सकता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सो अगर आपने कुछ शेप्स बनानी है इंटरेस्टिंग तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं आसानी से इस तरह से शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग आप शेप्स बना सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने क्लाउड्स बनाने, सो मैंने कई सारे डिफरेंट सर्कल्स बना लिए। एक साथ मैंने इनको एडजस्ट किया, सबको सेलेक्ट किया, यूनाइट करूँगा। आप देख सकते हो आपको एक क्लाउड की शेप मिल गई है। इसी तरह से आप इसको कलर दे देते हैं लाइक वाइट। मैंने एक और इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, एक डुप्लीकेट और लिया, इनको भी हमने कुछ इस तरह से कंबाइन कर दिया, इन सबको सेलेक्ट किया, यूनाइट कर दिया, ये आपका सिंगल पीस बन गया। तो आप इस तरह से कई वेरिएशंस के साथ इन क्लाउड्स को बना सकते हैं। कलर मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसका, इस वाले लेयर को पीछे मूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे ही और वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं सर्कुलर शेप्स के थ्रू। ट्रीज भी बना सकते हैं आप, ये आपने लिए ये सारी शेप्स को सब कंबाइन किया आपने, यूनाइट कर दिया, उसके बाद आप इसे ट्री लाइक कलर दे सकते हैं जो आपको सूटेबल लग रहा है। तो इस तरह से आप ट्रीज, बुशेस, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा क्रॉप टूल का यूज़ दिखाना चाह रहा हूँ।
तो क्रॉप किस तरह से आपका यूज़ हो सकता है, मान लीजिए आपने ये सब बना दिया है लेकिन आपका ये कैनवस से बाहर जा रहा है, आपकी प्रॉपर शेप के अंदर नहीं आ रहा है, या आप इसको एक सर्कल के अंदर शो करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले मैं इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में देने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने एम लिया और ये कैनवस के साइज़ का एक रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया, टॉप पे रखा ना, ऐसे सारी लेयर्स को सिलेक्ट किया। ध्यान रखें क्रॉपिंग आपका जो शेप है वो उसे टॉप पे होना चाहिए, और मैंने इसके बाद क्रॉप यूज़ किया। आप देख सकते हो जो भी एरिया उस रेक्टेंगल से बाहर आ रहा था वो सारा रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं इसको अनग्रुप वापस अनडू कर रहा हूँ। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपने रेक्टेंगुलर शेप ही लेनी है, आपकी शेप कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल के लिए मैं सर्कुलर ले रहा हूँ, एलिप्स लिया मैंने, ये कुछ इस तरह से मैं शेप ले रहा हूँ। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, फिर से मैंने क्रॉप टूल का यूज़ किया। अब आप देख सकते हो आपको इस सर्कल के अंदर वो शेप्स क्रॉप होके मिल गई। तो क्रॉप का बेनिफिट आपको ये है, आप इस तरह से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी आपका सब्ट्रैक्ट टूल, माइनस फ्रंट टूल आप, या माइनस बैक टूल आप, कई सारी शेप्स को एक दूसरे से सब डिवाइड कर, मतलब कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिविजन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत से पर्पसेस हैं, तो इनका इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई डाउट है तो इसके बारे में पूछें, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक डाउट्स हैं, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ट्यूटोरियल्स चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें मेंशन करें ताकि हम आपको उन पे हेल्प कर सकें। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मिलते रहें। ओके, मिलते हैं फिर अगली बार।